हितेश ज्वेलर्स हरपुर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्म स्थली गोपालपुरा पर आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि के मौके पर वार्षिक धार्मिक मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। आज यहां पर भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा यहां पर निकल रही है, जिनमें विभिन्न झांकियों के साथ बड़े उत्साह के साथ गोपालपुरा ग्राम के लोग कलश यात्रा में मंगल कलश लिए, जहां महिलाएं चल रही हैं, वहीं जोश उत्साह में नाचते गाते पुरुष चल रहे हैं। और उसके पश्चात 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम भी यहाँ पर होना है और श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। यह हर वर्ष यहाँ पर आयोजित होता है और यह बड़ी धाम गोपालपुरा का दृश्य है, जहाँ पर पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ था। और यह कलश यात्रा, यह शोभा यात्रा गांव में नगर भ्रमण करते हुए पंडित जी के मंदिर स्थान तक पहुँचेगी, जहाँ पर प्राचीन शिवालय भी है। आइए इस खास कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है गोपालपुरा में। पंडित रेवती रमन जी महाराज के जन्मस्थली गोपालपुरा में वार्षिक धार्मिक मेले का आयोजन यहां हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी यहां पर 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जैसे लोग यहां पर उपस्थित हैं इस कलश यात्रा के स्वागत और अभिनंदन के लिए। और ये देखिए हनुमान जी की सुंदर झांकी। आगे बढ़ रही है, इसमें सुंदर झांकियां यहां पर सजाई हुई है, खूबसूरत झांकियां यहां पर सजाई गई है। देखिए भगवान श्री राम का दरबार, हनुमान जी महाराज सुंदर झांकियों के साथ। ये भगवान शिव का दरबार झांकी। और झांकी भगवान श्री कृष्ण की झांकी, बहुत सारी झांकियां यहां पर सजी हुई है। बड़े उत्साह के साथ यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होता है। बड़े उत्साह के साथ नाचते गाते कलश यात्रा मार्ग से गुजर रही है। Oh,
के साथ सुंदर शोभा यात्रा गुजर रही है प्राचीन गांव गोपालपुरा के सड़कों से। धर्म ध्वजाएँ, लाल ध्वजाएँ हाथों में लिए बड़े उत्साह और जोश के साथ सुंदर झांकियाँ ये देखिए सजी हुई, भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। राम दरबार की ये झांकी है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। गोपालपुरा ग्राम पंचायत के आगे से इस वक्त की शोभा यात्रा गुजर रही है। सरपंच सविता जी राठी पुष्प वर्षा कर रही है। शोभा यात्रा गोपालपुरा के मार्गों से गुजर रही है। गोपालपुरा ग्राम का ये दृश्य जहाँ पर प्राचीन मंदिर और ये प्राचीन सरोवर गोपालपुरा ग्राम का बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य का। और इस गांव का प्राचीन सरोवर प्राचीन शिवालय, सामने पहाड़ी पर सुदुंगर बालाजी महाराज का मंदिर है।
प्राचीन गांव गोपालपुरा जहां पर महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। पंडित रेवंत रमन जी महाराज की यह जन्मभूमि है। तो है 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन है और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी सप्त दिवसीय आयोजन है। आज कलश यात्रा यहाँ पर गोपालपुरा के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई और ये कलश यात्रा इस अब यहाँ मंदिर में पहुँच चुकी है, जो कि पंडित रेवंत रमन जी महाराज का मंदिर है और प्राचीन शिवालय भी है। श्री योगेश्वर महादेव मठ के नाम से ये प्राचीन भगवान शिव का शिवालय, जहाँ पर कलश यात्रा पहुँच चुकी है। कलश यात्रा नगर भ्रमण करते हुए बड़ी धाम गोपालपुरा पहुँच चुकी है। पंडित रेवंत रमन जी महाराज का मंदिर शिव गोरख धुना और ये पंडित जी का मंदिर विशाल गुंबद और कलश यात्रा के पश्चात सभी पंडित जी महाराज के ढोक लगा रहे हैं। कलश यात्रा के पश्चात सभी पंडित जी महाराज के ढोक लगा रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर दिव्य प्रतिमा पंडित रेवंत रमन जी महाराज की यहां स्थापित है। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। यह प्राचीन भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सभी ढोक लगा रहे हैं। प्राचीन भगवान का शिव का शिवालय जहाँ पर भी यहाँ पर क्षेत्र के प्रसाद ढोक लगा रहे हैं। गोपालपुरा ग्राम में महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। सुंदर सजावट यहाँ की गई है। और यह गोपालपुरा ग्राम का प्राचीन सरोवर, जो इस मंदिर इसी सरोवर के किनारे है। पंडित रेवंत रमन जी महाराज का मंदिर, मूर्ति और जहाँ पर दर्शन करने के लोग आते हैं। और इस मंदिर और इस जगह का नियम भी है, यहाँ किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, न चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाया जाता है। सिर्फ श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर पंडित जी से ढोक ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। किसी प्रकार का कोई चढ़ावा यहाँ नहीं होता। एक ऐसा दिव्य मंदिर गोपालपुरा ग्राम का यह दृश्य है और पंडित जी महाराज की जन्मभूमि पर देखिए सुंदर कलश यात्रा निकली, जिस पर ये झांकियों में ये बच्चे किस खूबसूरती से सज धज कर आए हैं और भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्वरूप का इन्होंने दर्शन करवाया। गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, रुक्मिणी, राधा, सीता जी सभी यहाँ पर देखिए इस मेले में पहुँच चुके हैं और ये भगवान शिव शंकर भी मेले में पहुँच चुके हैं और सभी आए हुए भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। सप्त दिवसीय आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। बोला बालाजी महाराज की जय। और यह है 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ जहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। तैयारियाँ हो चुकी है और यह यज्ञशाला तैयार है जहाँ पर 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। यज्ञशाला के लोग परिक्रमा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो चुका है गोपालपुरा बड़ी धाम में, जो कि पंडित रेवंत रमन जी महाराज की जन्मस्थली है। उनके भतीजे भवनलाल जी मेरे साथ में हैं। क्या उत्साह है इस बार जो देखने को मिल रहा है? जबरदस्त 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 प्रारंभ हो चुका है महोत्सव, तो क्या खास यहाँ पर जो आकर्षण रहेंगे? खास आकर्षण इस बार ये रहा कि हमारे ये दोनों बच्चों ने काम संभाल लिया है। अच्छा। और बहुत बढ़िया, पर हमसे भी बढ़िया, इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। सुनील और संजय, ये दोनों की करामात आज जो जुलूस आपने देखा, इन दोनों की करामात है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, युवा पीढ़ी ही
आगे जो है आगे के आगे जो संचार है जो संस्कारों का वो करती है। और युवा पीढ़ी के पंडित जी के पौत्र सुनील जी मेरे साथ में हैं, क्या कहेंगे सर, आपके परिवार में इस तरह दिव्य आत्मा का जन्म हुआ और आज कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन उत्साह है वो हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, पंडित जी के प्रति पूरे गांव में श्रद्धा है और हमारे परिवार में पंडित जी महाराज ने जन्म लिया, इसलिए हम ये सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनकी सेवा करने का मौका मिला। परिवार के द्वारा 27 सालों से यह मेला गांव में हर साल लगता है। मेरे बड़े पापा ने इस मेले की शुरुआत की और पूरे गांव के सहयोग से यह मेला भली भांति संपन्न होता है। पंडित जी के नित्य नए चमत्कार होते हैं और भक्त आते हैं, उनके इन्हीं चमत्कारों को नमस्कार करते हैं। बिल्कुल, संजय जी क्या कहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम के लिए? 26 दिसंबर 1941 को महाराज श्री का जन्म हुआ था और पौष बदी नवमी को इनका जन्म हुआ था। रेवती नक्षत्र में जन्म होने की वजह से इनका नाम रेवत रखा गया और ये वाकई में हमारे कुल और परिवार के लिए एक नक्षत्र के रूप में ही आए हैं और इन्हीं के मार्ग पर हम आगे चल करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। बोलो पंडित जी श्री रेवंती रमन जी महाराज की जय। जय हो। गांव में जिस तरह की जो श्रद्धा है पंडित जी को लेकर के, उत्साह में देख रहा था कि पूरा गांव जैसे हर कोई नृत्य कर रहा है, न कोई बच्चा पीछे है, न जवान न औरत, कोई भी महिलाएं जो मंगल कलश लिए चल रही है, इस तरह का जो ये मतलब क्या कहेंगे, ये किसी महापुरुष के आशीर्वाद से ही संपन्न है, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो बिना भगवान की कृपा के बिना हमें संतों के दर्शन नहीं होते और ना संत यहाँ अवतार लेते हैं। बिल्कुल, तो ये यहाँ लोगों का भाग अच्छा है कि ऐसे तपस्वी सिद्ध पुरुष ने यहाँ जन्म लिया और अपने चमत्कारों के द्वारा खूब सारा आशीर्वाद हमें दिया है। बिल्कुल, बहुत ही सही विश्लेषण बताया संजय जी ने कि जिस जहाँ के लोग जैसे होते हैं वहीं वैसे ही कार्य होते हैं। हुआ भगवान का विशेष आशीर्वाद यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर संतों का जन्म हुआ और संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर जो है गांव फली फूल रहा है और यहाँ पर दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर लगातार आयोजित हो रहे हैं। पंडित रेवंती रमन जी महाराज के जन्म स्थली से महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर।